दोस्तों, कुछ दिनों से आप भी देख रहे हैं कि ये संघी कहीं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो कहीं दलितों को पीटते नजर आ रहे हैं। अब तो ये संघी लोग बच्चों को भी पीटते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये संघी देश में आतंक मचा रहे हैं और बच्चों पर लाठी बरसा रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैदान में बच्चों का बॉल उनके पास जा गिरा और उनसे जब बच्चों ने बॉल मांगा तो उन्होंने बॉल नहीं दिया, बॉल देने के बजाय उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया और उस लाठी से बच्चों को जमकर पीटा गया। नमस्कार, मैं ज्योति, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्रिकेट खेलते युवाओं की ये संघियों ने पिटाई शुरू कर दी है, जिसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे ये बच्चों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं और बच्चों को मार रहे हैं और कितनी बेरहमी से मार रहे हैं, इसका वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, इनको ना पुलिस का डर है और ना ही प्रशासन का, क्योंकि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए इनको किसी का डर भी नहीं है कि अगर कार्रवाई होती भी है तो कुछ दिनों में ये छूट भी जाते हैं और देश में फिर से नफरत फैलाते हैं। तो बच्चों को पीटना कौन सी बड़ी बात है? उन युवाओं को पीटा जा रहा है जो हमारे देश का भविष्य है, उसे इस बेरहमी के साथ पीटा जा रहा है। देश का युवा लाचार होता नजर आ रहा है। एक तरफ से ये संघी इन पर लाठियां बरसा रहे हैं तो वहीं पेपर लीक हो रहे हैं। इस पर अगर छात्र विरोध करते हैं, अपने हक की मांग करते हैं, तो उसके लिए भी इन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। सरकार से अगर ये नौकरी की मांग करते हैं तो भी उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। हर तरफ से इन छात्रों के साथ इस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोलती है। दोस्तों, कानपुर का बालाजी पार्क की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें आरएसएस के स्वयंसेवक एवं कुछ स्टूडेंट्स के बीच ये लड़ाई हो गई। पहले कहां से नहीं हुई, फिर दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसी समय मैदान के एक हिस्से से आरएसएस की शाखा चली आ रही थी। अभ्यास करने के लिए स्वयंसेवक वहां पर मौजूद थे। समाजवादी पार्टी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्रिकेट खेल रहे युवाओं को हाथ में लाठी लिया दौड़ा दौड़ा कर पीटने वालों के कपड़े देख कर पहचान बेहद आसान है, ये कौन लोग हैं? वीडियो के होते हुए भी संघियों पर खामोश क्यों है बुलडोजर वाला प्रशासन? दोषियों पर ही कठोरतम कार्रवाई। कुछ स्टूडेंट अपनी बॉल लेने वहां पहुंचे, आरएसएस वालों ने बॉल देने से इनकार कर दिया, कहा कि यहां क्रिकेट खेलने से शाखा का अभ्यास प्रभावित हो रहा है, वो लोग क्रिकेट कहीं और जाकर खेले। इसके बाद स्टूडेंट्स एवं स्वयंसेवकों के बीच कहासुनी हुई, बात बड़ी और लाठी डंडे तक जा पहुंची। स्टूडेंट्स के गुट में से 6 लोग चोटिल हो गए हैं, 3 छात्रों के सिर फट गए हैं, उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद छात्रों ने नौबस्ता थाने में जाकर FIR दर्ज कराई। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।